स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ड्रीम फैंटसी चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आज का इंग्लिश T20 ब्लास्ट मैच केंट वर्सेस ससेक्स की टीम। पहले मैं आपको थोड़ी मैच इन्फॉर्मेशन दोस्तों बता देता हूं कि ये जो मैच है वो ससेक्स के ग्राउंड पे खेले जाने वाला है। बट अगर हम अभी तक का परफॉर्मेंस देखें ससेक्स टीम का तो उनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंट की टीम बैटिंग में भी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ उनकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ केंट की टीम अभी तक ज़्यादा डोमिनेंट दिखा रही है ससेक्स के ऊपर। अब मैं आपको एक टीम शो कर देता हूँ, मैंने एक ही टीम बनाई है। आपको सब्स्टिट्यूशंस में बता दूंगा मल्टी टीम्स के लिए कि आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैंने विकेट कीपर में सैम बिलिंग्स को लिया है। बिलिंग्स वहीं 4 नंबर पर आते हैं खेलने, और बेन ब्राउन जो कि तीसरे या चौथे नंबर पर खेल रहे थे अभी तक, पर आखिरी मैच में इनको नंबर 5 पर कर दिया गया है। तो यहाँ बिलिंग्स ज़्यादा ऊपर आएंगे, ज़्यादा उनको बैटिंग मिलेगी, तो इसलिए मैं इनके साथ गया हूँ। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, और साथ ही साथ ये दुनिया में भी T20s खेलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने बस इनको तभी पिक किया है कि ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है खेलने का। अब मैं आपको 5 बैट्समैन दोस्तों बता देता हूँ। मैंने 5 मिली है सैम नॉर्थ ईस्ट जो कि कैप्टन है टीम के, नंबर 3 पर खेलते हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने 50+ स्कोर किया है। रोस टेलर, हर मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, बैक टू बैक अच्छे खेल रहे हैं ये भी। क्रिस नैश ओपनिंग करते हैं टीम के लिए, और साथ ही साथ बॉलिंग भी थोड़े बहुत ओवर्स कर लेते हैं। डैनियल ब्रेल ड्रमंड ओपनिंग करते हैं टीम के लिए, और साथ ही साथ जो डैनली ये भी ओपनिंग करते हैं। इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अभी तक का। अगर आप कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूशंस करना चाहते हो इस टीम में तो आपको बता दूं, आप क्रिस नैश की जगह आप पिक कर सकते हो फिलिप सॉल्ट को। फिलिप सॉल्ट लास्ट मैच में 3rd नंबर पर आए थे खेलने, और जो कि मैच वो वॉश ऑफ हो गया था, तो इसलिए इनको ज़्यादा बैटिंग मिली नहीं। बट जितना इन्होंने खेला इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। ल्यूक राइट को मैं यहाँ नहीं ले रहा, पिछले 3 मैचेस से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हो गया है, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे टीम के लिए, बॉलिंग भी नहीं करते, तो हमारे पास इनको लेने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। 80% से ज़्यादा लोगों ने इनको चूज़ किया है, तो अच्छा होगा कि ये आज भी अच्छा ना करे हमारे लिए। ऑलराउंडर्स दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ मैंने 2 पिक किए हैं, जिमी निशम और क्रिस जॉर्डन। जिमी निशम का आपको बता दूँ, इन्होंने लास्ट मैच भी अच्छा खेला था, 50+ स्कोर किया था, और साथ ही साथ अब 4 ओवर्स भी बॉलिंग में डालते हैं, तो इनके साथ हम कोई चेंज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ क्रिस जॉर्डन, ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं टीम के लिए, और नीचे आकर थोड़ा बहुत रन बना लेते हैं। इनके अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो यहाँ पे, तो डेविड वीस भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। क्रिस जॉर्डन और डेविड वीस में आप सोच सकते हो, या फिर आप क्रिस नैश की जगह डेविड वीस को भी रख सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन होगा। 3 बॉलर्स आपको यहाँ बता देते हो, मैंने लिए हैं टाइमन मिल्स, बहुत अच्छा लास्ट गेम इनका था। जोफ्रा आर्चर, इनका मैच तो आखिरी मैच में इन्होंने 4 विकेट्स पिक किए थे। मैट कोल्स कैंट के मेरे को अभी तक एक बॉलर ऐसे दिखे हैं जिन्होंने हर मैच में विकेट्स लिए हैं, तो मैं मैट कोल्स का कैंट के लिए गया हूँ। इनके अगर आप कोई चेंज चाहते हो यहाँ पे, तो माइकल मिचेल क्लेडोन, ये भी अच्छे बॉलर हैं। अगर आप टाइमाल मिल्स को नहीं रखना चाहते या किसी और बॉलर को पिक करना चाहते हो, इमरान कुआन, इनको ज़्यादा मौका मिला नहीं है, इन्होंने 2 मैच खेले अभी तक, बट दोनों मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है, विकेट्स लिए हैं, तो इनकेस अगर आप इसको भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट ये हर मैच नहीं खेल रहे दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूं, तो मैंने जो डैनली को कैप्टन रखा है, ओपनिंग करते हैं टीम के लिए, कुछ ओवर्स भी डाल लेते हैं बॉलिंग में, लास्ट मैच से डाल नहीं रहा ज़्यादा, तो ये थोड़ा डेंजर होगा। अगर आप चाहते हो दूसरा लेना, तो डैनियल ब्रेंड ड्रमंड के साथ भी आप सोच सकते हो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा किस प्लेयर को मैं लेना चाहता हूँ। वाइस कैप्टन में मैं रोस टेलर के साथ गया हूँ, रोस टेलर का परफॉर्मेंस हर मैच में अभी तक अच्छा रहा है, तो इसको भी मैंने यहाँ पिक किया है। आपको बता दूं, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो डैनियल बेल ड्रमंड ऑप्शन है आपके पास, या सैम नॉर्थ ईस्ट के साथ भी आप जा सकते हो, या जिमी निशम भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों थोड़ा खुद सोचिए, थोड़ा खुद दिमाग लगाइए। वैसे ये टीम ग्रैंड लीग्स के लिए सुटेबल है, बट अगर आप स्मॉल लीग्स के लिए जा रहे हो तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में सोचना होगा। आप कैप्टन या तो प्रोवाइड कर सकते हो रॉस टेलर को, और वाइस कैप्टन में आप जा सकते हो जिमी निशम को। तो ये स्मॉल लीग्स के लिए प्रेफरेबल टीम है, ग्रैंड लीग्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है टीम। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले मैच में।